रोज की तरह दोस्तों मैं आज इस वीडियो में फिर आया हूँ। लेकिन दोस्तों यह जो वीडियो है बहुत अलग टॉपिक पर है, क्योंकि फ्रेंड्स जिस टॉपिक पर मैं अभी बात करने वाला हूँ आपको, मैं बताने वाला हूँ, यह टॉपिक कोई याद नहीं रखता है ना तो ध्यान देता है भाई, क्योंकि ऐसा टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके यूट्यूब जर्नी में। अगर आप इन सब बातों को ध्यान नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा धोखा खा सकते हैं, और क्योंकि आपको इन चीज़ों का जो है नॉलेज नहीं होगा तो आप, जाहिर सी बात है कि आप कहीं ना कहीं फंस ही जाएंगे। क्योंकि अगर किसी को नहीं मालूम होता है किसी के बारे में तो वो जानबूझकर तो जो है गलती नहीं करता है, बट उसे ऐसी गलती हो जाती है अनजाने में कि उसे बाद में रोना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि यूट्यूब का जो थंबनेल पॉलिसी है, उसका जो गाइडलाइंस है यानी कि उसका जो पॉलिसीज है, मैं इन पन्ने में लिखकर जो है आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इतना इसमें जो है हेडिंग डाला हूँ, क्या क्या पॉलिसीज हैं, मैं उस पर जो है चर्चा करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स हर बार की तरह जो है हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे YouTube ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है इस वीडियो को रिकमेंडेड करेगा, जिससे इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है हर लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थंबनेल पॉलिसी में कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको मैं वीप लगाकर आपको बता दूंगा, बट वहीं पे आप हमारे स्क्रीन में देख सकते हैं लिखा हुआ आ जाएगा। विजुअल एक्ट इमेज, बहुत सारे लोग जो है इसका भी इस्तेमाल करते हैं व्यू पाने के चक्कर में, बट उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि यार इस तरह के अगर हम कॉन्टेंट यूज़ करेंगे, यानी कि थंबनेल का जो क्वांटिटी है इसे हम यूज़ करेंगे, तो 100% हम यूट्यूब के थंबनेल पॉलिसी के हिसाब से हम इसके खिलाफ जा रहे हैं, जिससे यूट्यूब जब हमारे कॉन्टेंट को देखता है, थंबनेल को देखता है, तो YouTube क्या करता है भाई, वो स्ट्राइक मार दिया देता है। पहली बात तो अगर आप ये सब सारी बातें स्टार्टिंग में ही ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना चैनल भी खो बैठेंगे। थंबनेल पर अभद्र और अश्लील भाषा का यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अश्लील और अभद्र भाषा का यूज करता है तो उसे क्लिक थ्रू रेट तो काफ़ी मिल जाता है, लेकिन जब वह यूट्यूब के नज़र में आता है तो यूट्यूब क्या करता है, उसको स्ट्राइक मार देता है। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि YouTube के थंबनेल में आपको ऐसा कोई भी वर्ड नहीं लिखना है जिससे अश्लील और अभद्र भाषा का परिचय हो। थंबनेल मिसमैच, यानी कि जो थंबनेल होता है और वीडियो होता है वो वीडियो कुछ और होता है, और आपका जो थंबनेल है आपने वीडियो में लगाया हुआ है वो कुछ और है, और इसका दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई क्लिक तो कर देगा उस थंबनेल को देखकर, बट वहाँ पर जब वीडियो कुछ और पाएगा तो आपकी वीडियो को छोड़कर चला जाएगा, और जब YouTube आपके वीडियो और थंबनेल को देखेगा तो वहाँ पर मिसलैंडिंग पाएगा, जिससे आप वहाँ पर YouTube के पॉलिसीज के हिसाब से आप वहां पर उल्लंघन कर रहे हैं, तो यहां पर आपको स्ट्राइक मिल सकता है या वार्निंग मिल सकता है। थंबनेल में खून खराबा मारकाट वगैरह ये सब दिखाना, ये भी YouTube थंबनेल पॉलिसीज के हिसाब से इसका उल्लंघन करता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने वीडियो के थंबनेल में खून खराबा मारकाट भी दिखाता है तो यहाँ पर जो है यूट्यूब थंबनेल के पॉलिसीज के हिसाब से स्ट्राइक उसे मिल सकता है। तो यहाँ पर आप ये सब सारी बातें याद रखना है, क्योंकि अगर आप अपने चैनल पर लॉन्ग टर्म तक के लिए चलना चाहते हैं तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको बहुत बड़ी मुकाम तक ले जाएंगी। क्योंकि इन सब छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान नहीं देते हैं अभी इस टाइम, तो आप ऐसे ही वीडियो बनाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप ऐसा धोखा खाएंगे, आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आप बहुत सारे वीडियो में ऐसा थंबनेल यूज़ किए हैं जो कि यूट्यूब थंबनेल पॉलिसीज के हिसाब से यहाँ पर उल्लंघन करता है, तो क्या करेगा यूट्यूब एक बार में ही आपको 2-3 स्ट्राइक दे देगा, जिससे आपका चैनल पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा। तो आप पूरी तरीके से यहाँ पर बर्बाद हो सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी चांसेस बनते हैं अगर आप ऐसा गलती करते हैं तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। रक्त वाहिनी से जुड़ी तस्वीरें, यानी कि थंबनेल में कोई दिखाया है रक्त बहता हुआ, यानी कि थंबनेल में जो दिखाया गया है रक्त वो एकदम फ्रंट पे है, यानी कि सबका नज़र जो है उसी पर जाता है और सबसे पहला फोकस रक्त पर ही पड़ता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको स्ट्राइक मिल जाता है। तो पहले स्ट्राइक पर, यानी कि जो पहला स्ट्राइक होता है आपके चैनल पर, वो वार्निंग के तौर पर आपको दिया जाता है, यानी कि वार्निंग के अकॉर्डिंग आपको 90 दिन का जो है समय दिया जाता है। तो 90 दिन तक जो है वो स्ट्राइक होता है आपके चैनल पर, जो कि वो लर्निंग में होता है, ऐसा समझ कर चलिए, क्योंकि आप उसमें जो है पहले सीखिए, फिर जो है जब आपको मालूम हो जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, यानी कि 90 दिन का आपका समय होता है उस वार्निंग स्ट्राइक का, तो 90 दिन के अंदर आपके चैनल पर अगर फिर से अगर एक स्ट्राइक पड़ गया है तो भाई वो डबल स्ट्राइक हो जाएगा, यानी कि एक स्ट्राइक और पड़ जाएगा, यानी कि
दो स्ट्राइक पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अगर फिर 90 दिन के अंदर दो स्ट्राइक पड़ जाता है, यानी कि टोटली 3 स्ट्राइक पड़ गया, तो आपका जो है चैनल वो टर्मिनेट कर देगा यूट्यूब। तो ऐसा आपको ध्यान में रखना है, तब आपको काम करना है। अगर आपको कुछ ऐसा वीडियो चाहिए जो कि आपकी ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपके अकॉर्डिंग जो है आपके लिए वीडियो वो तैयार करके आप तक जो है पहुंचाऊंगा। वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं कैसे पहुंचाऊंगा। तो आप हमेशा हमारा साथ दीजिएगा, क्योंकि मैं आपका साथ हमेशा देता आ रहा हूं और देना चाहता हूं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है यार। मैं इतने गर्मी में परेशान होकर यानी कि वीडियो बनाता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपका भी हक बनता है हमारा सपोर्ट करना। तो मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टाटा।